हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभ्रा। वेलकम टू सैलेड एंड फूड। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, पीच बॉनबॉन। यदि आपको पीच खाना पसंद नहीं है तो उसकी कुछ डिफरेंट रेसिपी बना के खाया जा सकता है। बहुत हेल्दी होता है पीच, स्किन और हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आज बनाएंगे पीच से कुछ नई रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है, पीच बॉनबॉन। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम पीच को चारों साइड से ऐसे कट करेंगे और ट्विस्ट करते हुए हम थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसका सीड निकाल लेंगे। कट कर लेने के बाद हम पीच को बॉयल करेंगे और इसमें ऐड करेंगे पाउडर्ड शुगर और अब हम इसे बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए पानी हमें उतना ही ऐड करना है जितने में पीच सारे डिप हो जाए। जब पानी गर्म हो जाए और बॉयल होने लगे तो बॉयल हमें 3 से 4 मिनट के लिए करना है। बॉयलिंग टाइम पीच की कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद ही आपको लगेगा कि इसकी स्किन लूज़ हो गई है और थोड़ी थोड़ी निकलने लगी है। आप देख सकते हैं इसकी स्किन कितनी ईजिली निकल गई है। तो अब हम पैन को साइड में रख लेंगे और एक एक पीच हम निकाल कर उसकी सारी स्किन लेयर निकाल लेंगे। ऐसे ही सारे पीचेस की स्किन निकालनी है। देखिए पीच कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हनी। हनी ऐड करने से इसमें मिठास तो आएगी ही आएगी और इसका लुक भी चेंज हो जाता है, एक ग्लॉसी लुक आ जाता है। और अब गार्निश कर लेंगे मिंट लीफ से। तो लीजिए, पीच बॉनबॉन रेडी है। पीच बॉनबॉन तो ऐसे ही अच्छा स्वीट यम्मी लगता है, लेकिन आप इसे आइसक्रीम के साथ भी खा सकते हैं। वैनिला आइसक्रीम के साथ ये बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है। सर्व कीजिए आइसक्रीम के साथ कुछ इस तरह से, या फिर पीच बॉनबॉन को ऐसे ही खाइए। ये बहुत ही सॉफ्ट यमी और इसमें जो मिंट का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। इस सीज़न में पीच बहुत ही अच्छे मिलते हैं, तो आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पीच बॉनबॉन कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि पीच बॉनबॉन आपको बहुत ही पसंद आएगा। ईट एंड एंजॉय। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल सैलेड एंड फूड को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ऐसी ही न्यू रेसिपीज का आइडिया मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।